एसटीएफ दी लुधियाना रेंज पुलिस ने सहारने वाले दे कोल मुख खबरी दे आधार ते दो आरोपियों नु राउंड अप करके उना पासों 580 ग्राम हेरोइन बरामद करन दा मामला सामने आया। खास गल एह है कि आरोपियों विचों एक आरोपी सरकारी मुलाजम है अते हरियाणा दे सैशन जज दे नाल बतौर सेंटनो तैनात है, जबकि दूजा आरोपी वेला रह के नशा तस्करी दा धंधा करदा सी अते खुद भी नशा करन दा आदी है। अज मैं सुरेंद्र पुलिस पार्टी जिहड़े नशे दे केसां विच भगौड़े अपराधी ने उन्हां दी तलाश दे विच श्री रेहू साहब गुरद्वारा मेन जी टी रोड सामने वाले मौजूद सी तां इस परमजीत कोल मुखबरी होई कि जिहड़े संजय नागपाल उर्फ डिप्पू ते धीरज कुमार धीरू इह नशा बेचण दे आदी ने ते अज वी ना जिहड़ा नशे दी सप्लाई देण लई सामने वाले पुलिस लियाउणा जिस ते जिहड़ी मुखबरी पक्की होण ते इहनां दे खिलाफ मुकदमा एस टी एम मोहाली दर्ज रजिस्टर करके इन्हों राउंड अप करके श्री पवनजीत सिंह ए सी पी एस टी एफ मोहाली जी ने मौका पर बुलाया। उन्हों की हाजिरी में इन्होंने तलाशी ले गई। दौरान तलाशी संजय नागपाल को 300 ग्राम और धीरज कुमार धीरू को 280 ग्राम जी हैरोइन बरामद हुई है। जो संजय नागपाल है इतने पहला भी एक मुकदमा सरहंद थाने दर्ज है तो धीरज कुमार जो धीरू है ये सरकारी नौकरी करता सिरसा कचहरी सहन जिरसा के जज साहब के नाल बताओ स्टैनो ये करीब दो तीन साल तो यह काम नशे का करते आ रहे हैं तो दौराने पुछ गिछ पता लगा कि जो नशा यो इन सिरसा के कोई सुनील सेंडी है उन्हें इन्हों दवाया राहुल वासी उत्तम नगर दिल्ली पासों तो इन्हों अज पेश करके इन्हों का पुलिस रिमांड हासिल किया। हूँ दौराने रिमांड जो पुछगिछ करके होर जो अगे की कार्रवाई अमल के लिए आई है।